अच्छा उसमें भी लाइव परफॉर्मेंस है बिल्कुल। तो आपका कोई इरादा नहीं है कि आप थोड़ा टीवी मीडिया की तरफ भी हो? नहीं, टीवी मीडिया से मैंने काफी सीरियल किए हैं। अभी रिसेंटली मेरा आपकी टीवी से सीरियल खत्म हुआ है, काजिम पाशा साहब का। अच्छा, झील समंदर कैसे हुआ। और ए टीवी से मेरा सीरियल चला था पाकिस्तान क्वार्टर का। अच्छा, गुलामी उद्दीन साहब के साथ। बाकी वैसे टैली फिल्म्स की हैं, सिटकॉम्स की हैं, काफी कमर्शियल्स कर रही हूँ। अच्छा, कमर्शियल्स अभी लेटेस्ट हुई आपका? अभी इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी आने वाला है बालों का ही। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बाल नाज़रीन शानज़ीर ज़्यादा खूबसूरत आए, तमाम जिगा वाले हैं, तमाम खूबसूरत हैं। शानज़ीर टिप्स बताएं बालों का, हमने कल भी अपने प्रोग्राम में हेयर फॉल पे बात की, तो आप मुझे बताएं कि बाल कैसे इतने बड़े हुए। मतलब केयरिंग बहुत जरूरी है, ऑयलिंग बहुत जरूरी है, मसाज बहुत जरूरी है, और प्रोटीन बहुत जरूरी है आपके बालों के लिए। देखो, मैं ये सब चीजें लाजमी करती हूँ। तो इनके लिए आपको, जब आपकी ऑलरेडी इतनी बिजी लाइफ है, इतना बिजी शेड्यूल है, तो कैसे मैनेज करते हैं बालों की केयर? यार, आप जब एक चीज खरीदते हो और बहुत दिल से खरीदते हो, तो फिर उसकी केयर करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये बाल जो है ये मेरी माँ की तरफ से है। अच्छा, तो इसलिए उनके भी लंबे थे जी, अभी तक है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और प्योर ब्लैक। ओहो, तो लाजमी बात है, जब माँ ने दी है तो फिर वो तो चीज संभाल के रखनी है। एक एक कॉलर है, शान से एक कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक बाल बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बहुत बहुत वैलेंटाइन मुबारक हो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू टू टीम। योर टीम इज रियली वर्किंग हार्ड, यू लुकिंग टू गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आपको बड़ा जल्दी ख्याल आ गया विश करने का मुझे। बाय द वे नाज़रीन, दिस इज इकबाल, माय हस्बैंड। एंड आप सो जाती हैं जल्दी आजकल, आप बड़ी मेहनत कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, सपोर्ट ना होता है। आई विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विद वर्क वी विल डू समथिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, विश यू द सेम, अल्लाह हाफिज। जी हाजिर, सॉरी, ये मेरे हस्बैंड को अब टाइम मिला है मुझे विश करने का। तो सही कह रहे हैं ना, बिजी लाइफ है। बिजी लाइफ है सर। मैं कल बहुत जल्दी सो गई थी, मतलब मुझे बोल भी रहे थे, मैं कोई 10:30 बजे आई हिट बेड में जाके लेट गई, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह भी मुझे काम पे जा रहा है, तो मैं बहुत जल्दी सो गई थी, तो इसलिए प्रॉब्लम है। वो तो इनका तो लेट का ही होता है, बच्चे बच्चे हम लोग सब सो गए थे और ये जागते रहे तो इनको टाइम नहीं मिला। एनीवेज, तो बच्चों के साथ यही आई गेस लाइफ होती है, बहुत बिजी होती है। तो अच्छा, आप फिर बताएं, तो फिर ये जो बालों का है, तो इसके लिए कोई स्पेशल ऑयल आप यूज करती हैं? नहीं, ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ बस, जो आप अच्छा ऑलिव ऑयल। तो अच्छा, मैंने कभी नहीं सुना कितना ऑलिव ऑयल, सुना था सरसों का बहुत ज्यादा। हाँ, सरसों का यूज करती हूँ, लेकिन गर्मियों में। अच्छा, सरसों का तेल और जैतून का तेल मिक्स करके। अच्छा, दोनों मिक्स करती हूँ। ओके, और सर्दियों में सिर्फ जैतून का। तो इतने बड़े बाल हैं आपके, तो अभी छोटे हैं। ये छोटे हैं, यानी जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरे बाल यहाँ तक थे। माशाल्लाह, उफ, तो जितने बाल अभी हैं इतने ही बाल और थे। ओहो, तो ये मैनेज कैसे होते हैं? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से ये मेरे बाल जल गए। अच्छा 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 अच्छा, तो ये इतना मैनेज आप कैसे करती हैं? लाइक कंघी करना, आई रिमेम्बर जब मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे कि जमाने में, अब लोग यकीन मगर खैर मेरे रिश्तेदार और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे इतने घुटनों तक के बाल थे, तो आई रिमेम्बर मैं चोटी जो है ना वो हाथ पे रख के फिर बैठती थी, क्योंकि वो मैं जब भी बैठती थी ना वो मेरे नीचे गर्दन खिंच जाती थी, क्या हुआ, तो मैं हमेशा यहाँ रखती थी। तो उसके बाद बच्चों के बाद शादी के बाद मुझसे तो मैनेज नहीं हुआ, भाई कटवाओ जान छुड़ाओ। तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? नहीं, शौक है बहुत, इसलिए मैनेज भी हो जाता है। अच्छा चले, अच्छा इस पे हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन बैठा था एक ब्रेक, आई ब्रेक आप वापस अच्छी करें पांची गाल बोल कंटिन्यू के अंदाज से, प्लीज स्टे ट्यून्ड। जी शानजी, मुझे बताएं कि वैलेंटाइन्स डे के बारे में क्या ख्याल है आपका, कि ये जो लड़का लड़की जिस तरह से ये त्यौहार मना रहे होते हैं, इसको इसी तरह से होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस होनी चाहिए, थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो, आपका क्या ख्याल है? यार, मेरा ख्याल ये कि वैलेंटाइन डे तो हर रोज ही होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए। बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ के लिए, तो ये लोगों ने बना दिया एक खास दिन, तो उस खास दिन को खास दिन समझ के एंजॉय करना चाहिए। अच्छा,
सही है. तो इतना ज्यादा जो अक्सर लड़के लड़कियां आए वोंट से कि हस्बैंड वाइफ या जिनकी इतना टाइम हो जाता है, मंगनियां हो जाती हैं और इतनी ज्यादा घरों से इजाजत नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड फैमिलीज होती हैं, वो तो इतना नहीं करते. मगर जितना नॉर्मल आजकल लड़के लड़कियां करें, हमारी अभी सुबह डॉक्टर साहब से भी यही बात हो रही थी कि कहीं जाना आप चाहें फैमिली के साथ तो आप नहीं जा पाते हैं, कहीं आपको जगह नहीं मिलती है, सी व्यू तो आप क्रॉस नहीं कर सकते. मतलब मैं तो उधर करीब रहती हूँ, तो मतलब मैं उस तरफ के कोई काम भी हो ना तो मैं नहीं जाती कि आज के दिन आप भूल जाए, ये काम कल पे रख दें आप. बिल्कुल. तो ये जो इतना क्रेजीपन हो जाता है इसके लिए क्या बहुत हो गया है, मतलब लिमिटेशंस क्रॉस कर दी गई है. तो मतलब उस चीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी जाती है जो ऐसे वीकेंड्स पे वो भले नहीं वो मनाती लेकिन वो बच्चों को लेके जाते हैं एंजॉय करने, लेकिन वो शर्मिंदगी की वजह से वो शायद नहीं जा पाते, नहीं जाते, और वो हम लड़के लड़कियां ही खुद खराब करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सिनेमा हॉल्स में आप देखें बहुत ज्यादा होता है कि मतलब अगर हम लोग फैमिलीज के साथ जाना भी चाहें तो हम लोग नहीं जा पाते. फॉर एग्जाम्पल अभी बाहर निकलेंगी तो आपको हर जगह पे फूल वाले गाड़ी पे तो ठोक रहे होंगे कि नहीं आप ले, हम ले भाई नहीं चाहिए, नहीं आप ले. कल मुझे भी याद है हम लोग मियां बीवी हम लोग गए हुए थे बच्चों के साथ, तो वो इतना ज्यादा नहीं आप ले, मैंने कहा यार बच्चों के साथ हम लोग फूल ले अभी टाइम भी नहीं है तुम लोग जान छोड़ो. पर इतना ज्यादा हो जाता है कि एट टाइम्स मतलब ठीक है जब तक हल्का फुल्का रहता है तो आप खुद भी बहुत एंजॉय करेंगे, आपको भी मजा आ रहा होता है, तहजीब के दायरे में जो भी चीज हो रही होती है वो बहुत अच्छी लग रही होती है. तो आपको आपको लगता है कि ये हमारे मजहब में जितना इन्वॉल्व हो गया है ये त्यौहार इतना ही होना चाहिए इसको? नहीं, हमारे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए. थोड़ी मतलब इतना ज्यादा मजहबी, मतलब लोगों को इतना ज्यादा, जैसे मजहबी लोग तो बहुत खिलाफ है ना इस चीज के, मगर ये हमारा तो नहीं, ये हमारा तो त्यौहार है ही नहीं ना. नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मगर जो हो त्यौहार है वेस्ट से इतना ज्यादा यहाँ चीजें मना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए. आपका क्या ख्याल है कि मतलब जिस तरह से ही करें इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए? बिल्कुल, एक लिमिट होनी चाहिए इसकी. और मतलब जैसे एक खुलेआम लड़का लड़की घूम रहे होते हैं बाहर अयाशी से और गार्डन जो है वो भरे पड़े होते हैं. मेरा इस तरह से मीडिया पे भी आप देखिए ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं और जो एक दूसरे को ऐसे मैसेज किए जा रहे होते हैं, उसके अलावा जो डेडिकेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और कभी बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलती है तो बहुत ज्यादा ये चीज हो जाती है. इसको एक एक लिमिट तक रहना चाहिए. बिल्कुल. और एक बहुत ज्यादा आउट नहीं हो जाए. तो अब आप जो है वो आपने कभी सोचा है कि इस चीज के लिए आप क्या करें? कभी कभी क्या बीइंग आप कॉम का असासा हैं, आप बिल्कुल आप लोग टीवी पे आते हैं, हम सारे जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा मतलब एक लोगों को बोल सकते हैं, हम जबरदस्ती उन पर थोप नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहली जरूरी चीज है कि हम खुद से करें. जब हम खुद करेंगे तो फिर हम लोगों को बोलने के काबिल हैं. जब हम सारी चीजें वही कर रहे हैं तो हम लोगों को कैसे बोलेंगे? बिल्कुल. मेरे ख्याल से कॉल आ गई है, एक और कॉल लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, ड्रॉप हो गई. अच्छा जी, तो जैसे अब हमारे ये हैं कि हमारा ये जो त्योहार हो गया है तो मजहबी जो हमारे उलमा हैं वो बहुत खिलाफ हैं, वो बहुत ज्यादा कहते भी हैं, तो आपको लगता है इतना ज्यादा उनको भी देखिए उनके बच्चे ही ये बहुत काम कर रहे हैं. माँ बाप के मतलब माँ बाप खिलाफ हो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मतलब आप पहले अपने घर में तो डिसिप्लिन बनाए उसके बाद बाहर. तो उनको ये चीज को रोकना चाहिए, थोड़ा बिल्कुल कम करना मतलब चाहिए. नॉर्मली एक लिमिट में हो तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा. मतलब आजकल जैसे लड़के लड़की फॉरवर्ड हो गए, मतलब मैं नहीं समझती कि हम अपने टाइम में ऐसे थे. बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा. मतलब आज 13-14 ईयर्स की लड़की, मतलब आप उसको देखकर आपको खुद को शर्म आ जाएगी कि यार मतलब हम ऐसे नहीं है. तो मतलब बहुत अजीब सी. और प्रॉब्लम यही वजह है कि वो अपनी उम्र से वो बच्चियां बहुत बड़ी लगने लगी हैं. मैं जब बच्चियां देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि इनकी उम्र ये होगी. मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत करते हुए देखती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल. अगर अम्मी अब्बू के साथ भी घूम रही है तो मुझे यकीन नहीं आता कि इनकी एज ये होगी. अपनी उम्र से वो मैच्योरिटी लेवल ज्यादा ज्यादा है लोगों का. आप जब अपना मैच्योरिटी वाली बातें करोगे अपने बचपन में तो वो आपकी मैच्योरिटी आपके फेस पर आ जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो सब चीजें अब इतनी ज्यादा हो गई है कि मासूमियत खत्म हो गई है. बिल्कुल, मासूमियत खत्म हो गई है. मगर इसके साथ साथ हम जब वैलेंटाइंस डे के बारे में बात करते हैं तो आप मुझे बताएं कि ग्रीटिंग कार्ड्स वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो ग्रीटिंग कार्ड्स वाला एक तरीका होता है वो मुझे सबसे डिसेंट लगता है कि आप कार्ड्स भेजते हैं. आपने नॉर्मली एक फ्लावर भेज दिया आपने, और मतलब हस्बैंड वाइफ में तो बहुत कुछ चलता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नॉर्मली एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज की, वो अपनी फैमिलीज को देखते हुए भी.
अच्छा ठीक है, मगर आपका फेवरेट मैं पूछना चाह रही थी कि आपको सबसे ज्यादा यही पसंद है या आप कहती हैं कि नहीं कुछ ज्यादा होना चाहिए? नहीं, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत कंफेक्शनरी। कल जो मुझे कार्ड मिला है इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, और वो मैंने बहुत सेव करके रख दिया है। सही तो, सही मतलब रात को भी जब बात हो रही थी तो यही कहा गया कि ये कार्ड बहुत खास है, मैंने कहा ये बहुत खास है इसलिए इसको छुपा के रखूंगी। सही सही, हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, आपने अपना बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, हमसे गुफ्तगू की, गपशप लगाई। नाजरीन इन सा गड ही असो प्रोग्राम जो टाइम खत्म थी वो है, वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू ऑल। मैं उम्मीद क्या थी तुम सभी जो तमाम सुठो वैलेंटाइंस डे गुजरे, पर कोशिश के जो पांची लिमिट्स में रही करे, हर शे सेलिब्रेट करो, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। इन सा गड ही इंशाल्लाह सुभाने वरी मुलाकात थी, तहां के कोई भी पांजो गाल हुजे, एसएमएस हुजे, को मैसेज हुजे, को सजेशन हुजे, असां के फेसबुक पेज ते सुबह जो आवाज ते तहां लिखी करे मोकलियो, असां जरूर पांजे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं। इन सा गड ही सनम के इजाजत दियो, इंशाल्लाह सुभाने वरी मुलाकात थी। अला निगेबानी।